भगवान श्री कृष्ण और राधा के बारे में तो आपने खूब सुना होगा। इन दोनों का प्रेम ही ऐसा था कि उसने पूरी दुनिया भर में चर्चाएं बटोरी। आज भी लोग इन दोनों के प्रेम का उदाहरण देते हैं। वाकई भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अनोखा था। हमारे आज के इस किस्से में हम आपको बताएंगे कि आखिर एक दूसरे को बेहद प्रेम करने वाले राधा और कृष्ण एक दूसरे से क्यों गुस्सा हो गए। आखिर क्यों राधा ने कृष्ण से कह दिया कि वो उनसे दूर ही रहें और कभी ना छुएं। चलिए आज के किस्से में हम आपको यही बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों कहते हैं कि प्रेम अनूठा होता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम भी अनोखा था। एक बार ऐसा हुआ कि कृष्ण की गलती की वजह से राधा रानी ने उनसे कह दिया कि आप मुझसे दूर रहें, मुझे कभी मत छुए। पर उस घटना के बाद कृष्ण ने जो कुछ किया उसकी निशानी आज भी गोवर्धन पर्वत की तलहटी में कृष्ण कुंड के रूप में मौजूद है। कहा जाता है कि इस कुंड के निर्माण का कारण राधा कृष्ण संवाद है। जब राधा ने कृष्ण को अपना स्पर्श करने से मना कर दिया था, आखिर राधा ने कृष्ण को अपना स्पर्श करने से मना क्यों किया? असल में इसकी वजह ये थी कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस के भेजे असुर अरिष्ट्रासुर का वध कर दिया था। अरिष्ट्रासुर बैल के रूप में व्रजवासियों को कष्ट देने आया था। इसी के साथ बैल की हत्या करने के कारण राधा और गोपियां कृष्ण को गौ का हत्यारा मान रही थी। वहीं कृष्ण ने राधा को खूब समझाने का प्रयास किया कि उसने बैल की नहीं बल्कि एक असुर का वध किया है। कृष्ण के बार बार समझाने पर भी जब राधा नहीं मानी तो श्री कृष्ण ने अपनी एड़ी जमीन पर पटकी और वहां जल की धारा बहने लगी। कहा जाता है कि जल धारा से एक कुंड बन गया और श्री कृष्ण ने तीर्थों से कहा कि आप सभी यहीं आइए। उसके बाद कृष्ण के आदेश से सभी तीर्थ राधा कृष्ण के सामने उपस्थित हो गए और फिर सभी कुंड में प्रवेश कर गए। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने इस कुंड में स्नान किया और कहा कि इस कुंड में स्नान करने वालों को एक ही स्थान पर सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। कहा जाता है कि बाद में राधा रानी को सच्चाई मालूम हुई तो उन्होंने कृष्ण को माफ़ कर दिया। दोस्तों आपका हमारा ये छोटा सा किस्सा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।